आइए दोस्तों, पाइथन पार्ट 153 में हम नेस्टेड टपल के साथ व्हाइल लूप का यूज देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा ये टपल है जो कि एक नेस्टेड टपल है। हमने यहाँ पे लेंथ निकाली, आई को हमने जीरो करा और व्हाइल लूप लगाया। उसके बाद हमने कंडीशन दी कि अगर हमारे टपल के अंदर टपल है तो ये कोड रन होगा, अदरवाइज ये यहाँ तक बाहर तक आके चल जाएगा। तो देखिए, 10 से लेके 30 तक हमारा कोड ये बाहर बाहर से चला, यानी कि ये चला और ये चला, तो हमारा ये आ गया, ठीक है दोस्तों। और जब ये अंदर वाला चलेगा, कब चलेगा? अगर टपल के अंदर टपल हो। तो देखिए, हमारे टपल है 50 60, ठीक है। तो ये वाला चला, ये कह रहा है इफ टाइप ए आई इज टपल, तो उसकी फिर लेंथ निकालेगा और लेंथ ए से बड़ी है क्योंकि यहाँ 2 है, 0 1। फिर हमने जे की वैल्यू 0 करी, फिर एम को इसके बराबर करा, फिर एक और व्हाइल लूप लगाया जिसमें हमने जे लेस देन एम करा और उसके बाद हमने इसको प्रिंट कराया। फिर यहाँ पर हमने जे प्लस वन करके, आई प्लस वन करके इसको प्रिंट रन करा, तो हमारे पास ये कोड हमारा नेस्टेड टपल मतलब इंडेक्स के साथ आ गया। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर है नेस्टेड टपल, चलिए इसको रन करके देखते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर क्या हुआ है, ये एक जिसमें तीन तीन कॉलम है मतलब डिजिट है, वो वाला टपल है हमारे पास। तो जब हम इसको रन कराते हैं, ये इंडेक्स के साथ इसने हमें हमारा आंसर दे दिया। और यहाँ पर हमने कंडीशन नहीं लगाई, यहाँ पर सिर्फ हमने 2 बार व्हाइल लूप लगाया है, ठीक है दोस्तों। चलिए, ओके, थैंक यू।